problem set 3 fourth one. The AP in which fourth term is negative 15. So answer, in an AP fourth term, so T4 is equal to negative 15, and ninth term is T9 is equal to negative 30. Find the sum of first 10 numbers. 10 numbers means 10 terms. So first sum of 10 numbers. So 10 terms sum. So 10 terms sum we will find. Okay. So here we are using the formula sum, SN. So normally SN formula is SN is equal to N by 2. 2a plus n minus 1d. ओके, यहाँ पे n जो है दैट इज SN क्या है, S10, 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ दिस AP. ओके, सो S10 इक्वल टू 10 बाई 2, 2 इंटू, अभी a दिया है क्या, ये भी नहीं दिया है, d भी नहीं दिया है, सिर्फ n मालूम है, दैट इज 10. सो फर्स्ट हमें a एंड d फाइंड करना है यूजिंग दिस टू इक्वेशंस. अभी ये दो इक्वेशंस में T4 एंड T9 दिया है ना, सो TN फॉर्मूला हम यूज करेंगे पहले, सो ये बाद में. सो पहले TN इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. सो t n का प्लेस में 4 इक्वल टू फर्स्ट वाला, ये नॉट गिवन, प्लस 4 माइनस 1 डी नॉट गिवन. सो T4, अभी देखो T4 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव 15. सो यहाँ पे नेगेटिव 15 सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू ए प्लस 4 माइनस 1 3 डी. कंसिडर दिस एज इक्वेशन 1. वैसे ही ये T9 इज इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 डी. सो T9 का वैल्यू कितना है, नेगेटिव 30, सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 8 डी. कंसिडर दिस एज इक्वेशन 2. अभी हमें क्या करना है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है. यहाँ पे देखो ए प्लस 3d, ए प्लस 8d, दोनों a है ना, सो इसको कैंसिल करना मतलब सब्ट्रैक्ट करो, 1 प्लस 1 माइनस होगा तब तो कैंसिल हो जाएगा. सो सब्ट्रैक्ट कौन सी भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 भी कर सकते हैं. सो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 मतलब 2 पहले लिखो, a प्लस 8d, अभी इसको पहले लिख रही हूँ, इक्वल टू नेगेटिव 30. नेक्स्ट a प्लस 3d इक्वल टू नेगेटिव 15. सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होता है सेकेंड टर्म्स का. सो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा. ये पॉजिटिव 8, नेगेटिव 3, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन, 5d, साइन इज पॉजिटिव, बिगर नंबर इज 8, साइन इज पॉजिटिव, इक्वल, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सब्ट्रैक्ट करके बिगर नंबर साइन, दैट मीन्स यहाँ पे बिगर नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव 15. सो डी कितना है, नेगेटिव 15 एज इट इज, डिवाइड 5 करो, 5 वन जा 5 3 टाइम्स, दैट 4d इज इक्वल टू नेगेटिव 3. अभी डी मिलने के बाद डी का वैल्यू को कौन सी भी, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में कौन सी भी एक इक्वेशन में डी को सब्स्टिट्यूट करो. सब्स्टिट्यूट डी इज इक्वल टू नेगेटिव 3 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 3d इज इक्वल टू नेगेटिव 15. सो ए का प्लेस में ए लिखो, 3 इंटू डी इज नेगेटिव 3 इक्वल टू नेगेटिव 15. सो ए प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 9 इक्वल टू नेगेटिव 15. दैरफोर ए इज इक्वल टू, अभी नेगेटिव 9 को इस तरफ लेते हो क्या होता है, 15 प्लस 9. सो ए इज इक्वल टू 15 प्लस 9 कितना, ओके यहाँ पे नेगेटिव 15 है ना, ओके. सो यहाँ पे नेगेटिव 15. सो नेगेटिव 15 पॉजिटिव 9 कितना होता है, नेगेटिव 6. सो अभी ए एंड डी का वैल्यू मिला है. नेक्स्ट हमें SN का फॉर्मूला अप्लाई करके वो सब्स्टिट्यूट करके अभी क्या फाइंड करना है, S10. सो S10 में S10 इक्वल टू
n by 2, 2a plus n minus 1 d, ठीक है. s 10 is equal to 10 by 2, 2 into, ये का वैल्यू कितना मिला था, ए का वैल्यू नेगेटिव 6 मिला था, प्लस n is 10 minus 1 into, d का वैल्यू नेगेटिव 3 मिला था. सो एस टेन इज इक्वल टू 2 1 2 5 टाइम्स 5. यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, प्लस इनटू माइनस माइनस, मल्टीप्लिकेशन में एक प्लस एक माइनस है तो बिगर नंबर साइन नहीं डालना है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस इनटू माइनस माइनस ही आता है, कीप रिमेंबर, नो बिगर साइन, बिगर नंबर साइन इज एप्लीकेबल. सो प्लस इनटू माइनस माइनस, 6 2 12, प्लस 10 माइनस 1 11 इंटू नेगेटिव 3. सो नेक्स्ट स्टेप 5 एज इट इज, नेगेटिव 12 एज इट इज, प्लस एज इट इज. हाँ अभी देखो, ओके यहाँ पे प्लस 11 समझो, ये ब्रैकेट निकाल दो यहाँ पे. सो प्लस 11 इंटू माइनस 3, ये अंडरलाइन कर रही हूँ, प्लस 11 इंटू माइनस 3. सो प्लस इंटू माइनस माइनस, 11 3s are 33. सो माइनस 5 माइनस नहीं है यहाँ पे, नेगेटिव 12 नेगेटिव 13 दोनों नेगेटिव है तो ऐड करके नेगेटिव साइन ही डालना है, नेगेटिव 5 45. सो एस 10 इज इक्वल टू 5 5s are 25. यहाँ पे देखो 11, 10 माइनस 1 9 है, 10 प्लस 1 11 है ना, 10 माइनस 1 9 है. सो 9 3s आर 27. सो नेगेटिव 12 नेगेटिव 27 हाउ मच, ये पूरा कट कर रही हूँ, इक्वल टू 5 नेगेटिव 12 नेगेटिव 27 इक्वल टू 5 इंटू, दोनों नेगेटिव है तो ऐड करना है, 39. सो नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर एस 10 इज इक्वल टू 5 इंटू नेगेटिव 39, दैट इज नेगेटिव 195. सो दिस इज द सम. दस कंक्लूजन लिखो, दस द सम ऑफ first 10 terms of an AP, of the given AP is negative 195. यहाँ का करेक्शन नोट डाउन करो, यहाँ पे 10 माइनस 1 9 है, 9 3s are 27, प्लस इनटू माइनस माइनस, और बाद में दोनों नेगेटिव है तो अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल ऑफ इंटीजर्स ऐड करके नेगेटिव साइन ही डालना है, दैट इज नेगेटिव 39. सो अभी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते वक्त इसका साइन पॉजिटिव, सो प्लस इनटू माइनस माइनस, 539 टाइम्स 195.